हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज करेंगे हम हिंदी के व्याकरण ग्रेड 4 की का रिवाइज करेंगे। हम आज लर्न करेंगे कुछ नए चीज़ें। तो हमने पिछले सर आपको मैं ये वर्णमाला और मात्राएं, भाषा शब्द और वाक्य, संज्ञा लिंग नहीं भेजूंगा आपको, बस ये चार लेसन खुद मैं आपको भेजूंगा, फिर आप उसको लर्न कर लीजिएगा। वो मैं दूसरी कोई और वीडियो बनाऊंगा ना कभी, तो उसमें आपको इसका रिवीजन करा दूंगा और फिर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना पड़ेगा इसका। तो चलो अब आज हम क्या करेंगे, जेंडर। जेंडर मींस लिंग। लिंग क्या होते हैं, जेंडर। जेंडर तो जेंडर जो है वो 28 पेज में, तो हम 28 पेज में जाते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं लिंक पे, 28 पेज पे जो है जेंडर देखें और पढ़ें, ये बाद में करेंगे हम। पहले हम इसकी डेफिनेशन कर ले, परिभाषा मतलब जो। तो एक मिनट, ब्लर हो रहा है। तो जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह लिंग कहलाते हैं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, अब आप ले लो। या फिर अपनी नोटबुक में मैं जो भी शब्द बोलता हूँ, अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही तो आप अपनी नोटबुक ले लीजिए, उसमें आपको मैं लिखवा देता हूँ। जो शब्द आप लिख लीजिए, लिंग की परिभाषा। जो शब्द, राइट डाउन, जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। ये अब लिंग के दो भेद होते हैं, पुलिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये पुलिंग इसकी डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए इसको भी। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें पुलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, पुलिंग। जैसे मोर, बालक, चूहा इत्यादि। अब इस स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएं उन्हें क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ओके। जैसे मोरनी, बालिका, चूहिया इत्यादि, ठीक है। जो नीचे दिए हैं ना, ये चार्ट है, इसमें पुलिंग जो पुलिंग है उसका स्त्रीलिंग की है और स्त्रीलिंग का पुलिंग। तो पहला है नर, नारी। तो जो मैं टिक लगाएं वो आप लिख लीजिए, राइट डाउन इन योर रफ नोटबुक। यहाँ से लेकर आप इस सारे लिख लेना अपनी रफ नोटबुक में, फिर इसे याद कर लेना। नर, नारी, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, मामा, मामी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, छात्र, छात्रा, विषय शिष्य शिष्या, बाल, बिलाव, बिल्ली। बिलाव मतलब वो जो कैट होती है ना, कैट हुई बिल्ली, है ना। तो
तो उसका हुआ बिलाव, हाथी हथनी, हथनी बैल गाय, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, चोर चोरनी, सिंह सिंहनी, सिंह मतलब शेर और उसका शेरनी, तो शेरनी को सिंहनी भी बोलते हैं और शेर को सिंह भी। हंस हंसनी, ऊंट ऊंटनी, वो जो डेजर्ट में होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, उसमें पाए जाते हैं ऊंट ऊंटनी। कैमल इज द कैमल जो होता है वो शिप ऑफ द डेजर्ट होता है, ओके ये भी याद रखना। जाट जाटनी, नाई नाइन, पापी पापिन, नौकर नौकरानी, सेवक सेविका, गायक गाय गाय गायिका, राजा रानी, बेटा बेटी, ससुर सास, कवि कवयित्री। थैंक यू।